दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों क्या आपको पता है क्रिकेट में कितनी देर तक कैच को पकड़े रहने होता है? क्या आपको पता है कॉल बैक रूल क्या होता है? नहीं पता दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट में कई ऐसी बातें हैं जो क्रिकेट फैंस को पता ही नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों क्रिकेट में किसी फील्डर को कैच पकड़ने के बाद गेंद को हवा में उछालते हुए तो आपने देखा ही होगा। जब भी कोई खिलाड़ी किसी बैट्समैन को बॉल को कैच करता है तो उसे हवा में जरूर उछालता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एक फील्डर जब कैच को पकड़ता है तो वो हवा में क्यों उछालता है? इसके पीछे भी रीजन होता है। दोस्तों आप सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। 1980 में लाया गया इस लॉ के पहले भाग में लिखा हुआ है, एक कैच को वैलिड कैच तब माना जाएगा जब बॉल पूरी कंट्रोल में पा लेगा और बॉल पर कंट्रोल चेक करने के लिए कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को कुछ देर के बॉल को डिसकैच करना पड़ता है, ताकि यह चेक किया जा सके उसका बॉल पूरी तरीके से कंट्रोल में था या फिर नहीं। मतलब कैच पकड़ते ही उस बॉल को अपनी कंट्रोल में लेना बहुत अहम होता है। इसके बाद यह साबित करने के लिए बॉल प्लेयर के कंट्रोल में है, बॉल को डिसमैच करना होगा। इसके बाद बॉल अंपायर ले लेगा और बैट्समैन को आउट घोषित कर देगा। दोस्तों यह रीजन है कि कोई भी फील्डर कैच को पाते ही बॉल को हवा में उछाल देता है। लेकिन दोस्तों अब प्लेयर रूल के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी खुशी जताने के लिए बॉल को हवा में उछालते हैं। हालांकि अब ये करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन प्लेयर्स सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि कैच को लेने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग रूल के बारे में। ये सुनने के बाद वाकई में आपको मजा आ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के मैदान में बहुत से चारों तरफ बहुत सारे कैमरे इधर उधर लगे होते हैं। इन्हीं में से एक कैमरा होता है जो कि क्रिकेट के मैदान में होता है। इस कैमरे को स्पाइडर कैम कहा जाता है। ये पतले तार के मदद से उतरकर मैच को लाइव रिकॉर्ड करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैमरे के पीछे कौन सा रूल आ गया। दोस्तों क्या आपने सोचा है अगर कैमरे पर बॉल लग जाए तो उस बॉल का क्या होगा? इसी परेशानी को कम करने के लिए ऑब्जेक्ट हिडिंग रूल बनाया गया है। दोस्तों इस नियम के अनुसार हर वो बॉल जो स्पाइडर कैमरे से टकरा जाती है तो उस बॉल को अंपायर की तरफ से डेथ बॉल मान लिया जाता है। दोस्तों क्या आपने सोचा है एक फील्डर द्वारा कितनी देर तक बॉल को कैच करते वक्त होल्ड करना होता है? नहीं पता दोस्तों, हम बताते हैं। दोस्तों जब भी कोई फील्डर कैच को लेता है तो उसे 3 सेकंड तक बॉल को होल्ड करना होता है, तभी बैट्समैन को आउट माना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट रूल की बात करें तो है कॉल बैक रूल। दोस्तों कॉल बैक रूल, इस रूल के हिसाब से जब भी कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो सामने वाली टीम का कप्तान अंपायर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे आउट न देकर खेलते रहने दिया जाए। आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा, अगर विपक्षी टीम का कप्तान आखिर क्यों बचाएगा? लेकिन दोस्तों दुनिया में एक बार नहीं कई बार देखा गया है, एक कप्तान पोर्टमैन देखते हुए आउट हुए बल्लेबाज को अंपायर से रिक्वेस्ट करके नॉट आउट दिला देता है। ज्यादातर ऐसा तब हुआ होता है जब बल्लेबाज रन लेते समय किसी फील्डर से टकरा गया हो और आउट हो गया हो। अंपायर के नजर में वो बल्लेबाज आउट ही होता है, लेकिन विपक्षी टीम के कप्तान चाहे तो उसे नॉट आउट दिला सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।